Friends, this is video 1.0 and today I'm going to talk about new public management. So new public management, जैसे आपने new public administration पढ़ा वैसे new public management एक अलग ही concept है, और इसके बारे में पढ़ने से पहले हम traditional approach के बारे में पढ़ेंगे कि traditionally आखिर administration में चलता क्या था। तो इसके पहले हम introduction में बहुत सारी videos बना चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं 1.0 to 1.9, और उसमें आपको पता चलेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था। क्या देखिए, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल अप्रोच में स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन है, क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में ध्यान दिया जाता था। देन वर्क डिवीज़न, कोई भी वर्क है उसको डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में इक्वली बांट दिया जाता था। देन पावर डिफरेंशिएशन, हायरार्की बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती थी कि जो कमांड कंट्रोल ये सब चीज़ें थी, और जो टॉप लेवल था वो बॉटम लेवल को कंट्रोल करता था। देन सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो यूनिटी ऑफ कमांड एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग कि जो बॉस है वो ऑलवेज राइट है या वही सब कुछ देख रेख करता था। देन पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन था कि जो पब्लिक है या जो प्राइवेट है इसके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन है कि जैसे पब्लिक वर्क्स बिल्कुल ही अलग थे, एंड प्राइवेट जो मैनेजमेंट है उसको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया था। जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे वैल्यूज़ और इन सब की ज़्यादा अहमियत थी, और उसके पहले हम देखते हैं तो मैनेजमेंट की ज़्यादा अहमियत थी, इकोनॉमी एफिशिएंसी, लेकिन दोनों कंबाइन होकर कभी नहीं आए हैं। देन जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो मशीन लाइक, रिजिड, इम्पर्सनल, मतलब उसको किसी मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है, जो वर्क है वो मशीन लाइक में करता था, उसमें मतलब कि बहुत रिजिडिटी थी। और इम्पर्सनल मतलब कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैनेजर है उसको अपने काम निकलवाने से मतलब, उसको ये नहीं मतलब है कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जो मैं काम कर रहा हूँ, या मतलब कि आखिर रिक्वायरमेंट्स क्या है एक्चुअली जो कंज्यूमर है उसकी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, जैसे साइमन ने बोला है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि मैन जो है वो रेशनल चॉइस लेता है, एंड सारी रेशनल चॉइस नहीं ले सकता क्योंकि उसकी बाउंडेड रेशनैलिटी होती है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, और उसको जो वैल्यूज़ हैं और उसकी जो पहले की प्रेफरेंसेस उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेता है। सो साइमन ने बोला कि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें उतना ही वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी और उतना ही रेशनल डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव मैन हो गया, ये हम साइमन के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। बाउंडेड रेशनैलिटी कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, एंड देन स्पेशलाइजेशन, मतलब कि ये भी टेलर ने दिया था कि अगर कोई भी वर्क कराना है तो डिवीजन ऑफ वर्क कर दीजिए, फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज है उनको स्पेशलाइज कीजिए उस पर्टिकुलर वर्क में, तो ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच की। देन अब हम देखते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है। सो पहले देखते हैं नए आइडियाज़ क्या आए थे NPM में। सो बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या हो गया, जैसे टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब कि जो भी चीज़ें थी वो ऊपर से आती थी, कॉन्सेप्ट ऊपर से आ रहे हैं, स्कीम्स ऊपर से आ रही हैं, पैसा ऊपर से आ रहा है, लेकिन अब बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, यानी कि नीचे से डिमांड होनी चाहिए कि हमको ये चाहिए, हमको यहाँ पे रोड चाहिए, हमको कुआं खुदवाना है, और उनकी डिमांड्स पे अमल होना चाहिए, यानी उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, या जो उनकी डिमांड्स है उनको फुलफिलमेंट करने के लिए नीचे से मतलब कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। देन नो रिजिड ऑब्लिक प्योर मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पुराना जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें नया आइडिया बिल्कुल उसको खारिज कर देता है कि मतलब जो आप एक यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, ऐसा कोई यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो ये कोई रिजिड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन मैक्सिमाइज पब्लिक इंटरेस्ट रेदर देन सेल्फ, जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेल्फ सर्विंग है, या मतलब वो अपने ही भले के बारे में सोचती रहती है रेदर देन पब्लिक, जबकि उसका मेन काम है कि पब्लिक को सर्व करना, लेकिन वो अपने को परपेचुएट करती रहती है, यानी कि अपना बजट बढ़ाती रहेगी इन सब चीज़ों, तो उसका ध्यान अपने से हटा के पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी तरह की सलाना है। देन पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन, पहले ये था कि जो गवर्नमेंट है उस वेलफेयर स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आया तो उस गवर्नमेंट को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी या लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना था, लेकिन धीमे धीमे ये चेंज हुआ, जो अगर केवल
पब्लिक सेक्टर कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है तो उसमें इनएफिशिएंसी आ जाती है, जैसे हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स में देख सकते हैं। तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट आया एनपीएम में। एंड देन हेल्दी कॉम्पिटिशन, इसका मतलब ये है कि पब्लिक जो है वो सेक्टर जो है वो भी मार्केट में रह सकता है, लेकिन कॉम्पिटिशन उसको करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर से, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। देन मैनेजरियलिज्म, इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि मैनेजरियल मतलब क्या हुआ, कि जो मैनेजर्स हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। हम देखते हैं क्या है ये इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट। फोकस ऑन मैनेजमेंट रेदर देन पॉलिसी, पहले पब्लिक पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता, लेकिन अब ये बोला गया है कि पॉलिसी बनाइए लेकिन जो उसका मैनेजमेंट है उसको एफिशिएंट करिए। ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि जो भी वर्क हो रहा है उसको सही से अप्रेज करिए, मतलब उसमें क्या आउटपुट निकला है और उसका मतलब इवेल्युएशन होना चाहिए। एंड देन एफिशिएंसी इम्प्रूव होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। देन यूज़र पे बेसिस, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो सिटीजन्स हैं जो भी सर्विसेज यूज़ करते हैं उसका वो पेमेंट करें। मार्केट इकोनॉमी कॉन्सेप्ट हो गया। देन कॉस्ट कटिंग हो गया कि जो बजट डेफिशिट्स हैं गवर्नमेंट की वो रिड्यूस होनी चाहिए, और जो इतनी स्पेंडिंग है वो रिड्यूस होनी चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, इसका मतलब है जो गवर्नमेंट जितना जो भी चीज़ें मतलब कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकती है, जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर में दे देनी चाहिए। देन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, फ्रीडम टू मैनेज, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें जो गवर्नमेंट जो चीज़ें करवाना चाहती है उनसे, जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहती है तो इसलिए वो उनको ये इंसेंटिव दे सकती है, जैसे आप इतना ट्रीज लगाएं तो आपको इतना टैक्स में छूट मिलेगी, या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है वो इसमें आप लिख सकते हैं। देन फ्रीडम टू मैनेज, इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो मैनेजमेंट की जो फ्रीडम है, जैसे पब्लिक सेक्टर की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनमें मैनेजर्स को फ्रीडम देनी चाहिए कि आप अपने तरीके से आप अपने काम करिए। देन बस हमको आउटपुट से मतलब है, परफॉर्मेंस आपका चेक किया जाएगा। देन लेट्स टॉक अबाउट इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, ईजीज, ये इसके 10 पॉइंट प्रोग्राम है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट देखते हैं 10 पॉइंट क्या क्या हैं। पहला तो प्रमोट कॉम्पिटिशन, ये अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड। देन एम्पावर सिटीजन, मतलब सिटीजन्स को ज़्यादा सुविधाएं देना या उनके अंडर में ज़्यादा डिसीजंस लाना है जो सिटीजन्स कंबाइंड होके ले सकते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी है वो ले सकती है। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस्ड ऑन आउटपुट्स, जो हमारे आउटपुट निकल रहे हैं उनके बेसिस पर परफॉर्मेंस मेजर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, उसमें इनपुट क्या लगेगा कि कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने नर्सेस हैं, और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ये होगा कि हेल्थ की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितनी रिड्यूस हो गई, या लोगों की हेल्थ कितनी इंप्रूव हो रही है, या अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी इंप्रूव हुई, ये सब आउटपुट्स हो गए हेल्थ सेक्टर के। परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट मेजरमेंट है वो आउटपुट पे होना चाहिए। देन ड्रिवन बाई मिशन रैदर देन रूल्स रेगुलेशन, जो एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन एंड्स हो जाते हैं, जबकि रियलिटी में वो केवल एक तरीका है एंड्स को लाने के। एंड्स जो हैं, जो हमारा मिशन है, जो हमको एक्चुअली अचीव करना है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है तो उसमें हमको टोटल लिटरेसी अचीव करनी है पूरे इंडिया में, तो वो मिशन है हमारा। हमको मिशन को एक्चुअली अचीव करना है रैदर देन फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ब्लाइंडली। देन रीडिफाइन क्लाइंट्स एज कस्टमर्स, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि क्लाइंट्स यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको कस्टमर्स की तरह ट्रीट किया जाए, यानी उनको सारी बेस्ट सुविधाएं दी जाएं और उनको चॉइसेस दी जाएं। देन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स रहता है देन क्योर देम, मतलब कोई भी दिक्कत हो रही है तो पहले उसका उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बेटर है कि उस प्रॉब्लम को होने ही ना दिया जाए, तो उसको पहले प्रिवेंट कर लिया जाए। जैसे एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। सिमिलरली देन अर्न मनी बिफोर स्पेंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे FRBM एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग रिड्यूस करना है, बजट डिफिशिट जो है उसको एक पर्टिकुलर लिमिट में लाना है, और ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है। मतलब मनी अर्न करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। टैक्सेशन भी आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते तो उसको अपना जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में ही खर्च करना है, जहाँ पे एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता है। देन पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, ये हो गया कि सिटीजन्स को एम्पावर करो, पार्टिसिपेट करो, ये बार बार आ रहा है।
देन प्रिफर मार्केट मैकेनिज्म, इसका मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट है उसको मार्केट पे पूरा भरोसा होना चाहिए और मार्केट के थ्रू वो चीज़ों को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करनी करें। देन कैटलाइज ऑल सेक्टर्स पब्लिक प्राइवेट एंड वॉलेंट्री टू सॉल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, इन लोग को ऐसा इंसेंटिव दिया जाए कि ये एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही मिल बांट के सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से थोपा जाए। सो मे भी आपको ये सारे मतलब जो पॉइंट्स हैं इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट के, ये सब आपको एक्चुअली रटने पड़ेंगे सारे, और अगर आप इसमें से 6-7 भी लिख ले गए एग्ज़ाम में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड ये सारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में आता है, इंटरप्रेन्योरशिप। देन अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कंपोनेंट्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी सर्विस दैट सिटीजन्स वैल्यू, मतलब जैसे यूके का सिटीजन चार्टर हो गया, तो इसमें जो सिटीजन्स चाहते हैं वो सर्विस डिलीवरी होगी और उसकी क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए। सेकेंड हो गया इंक्रीज ऑटोनॉमी फॉर मैनेजर्स, ये हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। आइडिया नया आया है कि मैनेजर्स जो हैं उनको अपने तरीके से मैनेज करने दिया जाए, जो उनका आउटकम है या परफॉर्मेंस है उसका अप्रेजल होना चाहिए, लेकिन उनको काम करने की छूट दी जानी चाहिए। थर्ड हो गया राइगरस परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें यह है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो परफॉर्मेंस है यानी जो आउटपुट है उसका मेजरमेंट होना चाहिए, और ना ही केवल ऑफिसर्स यानी इंडिविजुअल्स का मेजरमेंट होना चाहिए बल्कि जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन वो कितना गोल अचीव किया उसका भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए। देन फोर्थ हो गया मैनेजरियल सपोर्ट सिस्टम एंड सर्विसेज फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ प्री सेट परफॉर्मेंस टारगेट्स। जो मैनेजर्स से उनको ऑटोनॉमी दे दिया आपने, तो फिर आप उनको ऐसे मतलब सपोर्टिव सिस्टम्स दीजिए जिसके कार्ड जिसको अगर जिसको वो हेल्प लेके अपने टारगेट्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, या ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जैसे उनको जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होगा वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, या ट्रेनिंग हो गई, जैसे स्पेसिफिक टास्क हैं जो उनके उसकी ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। वो मैनेजर्स क्या काम करेंगे उसकी अगर जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक नॉलेज नहीं होगी, तो अच्छे से नहीं कर सकते। तो जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, जो मतलब एड्स हैं, वो अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए ऑटोनॉमी के साथ साथ। एंड देन फिफ्थ हो गया रिसेप्टिवनेस टू कॉम्पिटिशन एंड क्लैरिटी अबाउट पब्लिक वर्क्स, इसका मतलब ये हो गया कि उनका जो पूरा एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में वो मस्ट है, और जो पब्लिक वर्क है और प्राइवेट सेक्टर में जो चीज़ें मतलब दी जा सकती हैं वो आप दे दीजिए, और पब्लिक वर्क्स को पब्लिक सेक्टर में ही रखिए, जैसे मतलब कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सब पब्लिक सेक्टर ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर रोड्स पीपीपी मॉडल से बन सकते हैं तो उसको बनने दीजिए। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, और जैसे आप इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, डिफरेंट एनजीओज हो गए, ग्रामीण बैंक हो गया, ये बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग मतलब छोटे छोटे बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप से बना के मतलब बहुत ही रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया था। एंड पीपीपी मॉडल हो गया, ये सब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं। और सो ये अब फिनिश हो गया, ये 5 पॉइंट्स हैं जो कंपोनेंट्स हैं एनपीएम के, और इसके पहले जो हमने आइडियाज़ देखा, जो ट्रेडिशनल वे था वो देखा। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एंड होप यू गाइड्स लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड आज मेरा फर्स्ट सीरीज जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इंट्रोडक्शन पार्ट पे वो टोटली ओवर हो गया है। सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन, एंड थैंक यू वेरी मच।